दोस्तों Xiaomi की तरफ से जो MIUI का जो अपडेट है देना बंद नहीं कर रहा है और MIUI में थोड़ा बहुत बग्स आना Redmi का Note 5 Pro में बंद नहीं हो रहा है। ऐसे ही Xiaomi ने कुछ दिनों पहले Redmi का Note 5 Pro में 9.6.3.0 का अपडेट दे दिया था, लेकिन उसमें बहुत सारे बग्स आ गया था, बहुत सारे इसमें बैटरी ड्रेनेज का इशू आ चुका था। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा 9.6.4.0 के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों Xiaomi की तरफ से अभी जो लीक्स निकल के आ रहे हैं कि Xiaomi के बहुत ही जल्दी आपको Xiaomi के Redmi का Note 5 Pro में आपको 9.6.4.0 का अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक दोस्तों एग्जैक्ट डेट पता नहीं चला है। ये सिर्फ बेटा वर्जन में आपको ग्लोबली देखने को मिल रहा है और अभी आपको बहुत ही जल्दी आपको स्टेबल वर्जन में आपको 9.6.4.0 का अपडेट आपको Redmi का Note 5 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है ये जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा ये शायद Xiaomi की तरफ से आखिरी आपको MIUI 9 का अपडेट होगा। उसके बाद आपको दो महीने के बाद आपको Redmi का Note 5 Pro में और बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको MIUI 10 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तकरीबन आपको MIUI 9 का एक आखिरी अपडेट हो सकता है और मुझे लगता है ये अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ ये अपडेट आने वाला है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं पता चला है। बहुत सारे लोगों को बैटरी ड्रेनेज इशू और आपको कैमरा में आपको जो 2.5x जूम का ऑप्शन हटा दिया गया था, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था। तो आपको Redmi का Note 5 Pro में 9.6.4.0 का अपडेट में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर फिक्स किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप बॉक्स के लेकर बहुत सारे परेशानी में लगे हुए हैं कि Redmi का Note 5 Pro में अपडेट कब आएगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं वेट कर लीजिए और बहुत ही कम दिन, आपको तकरीबन 15 डेज से 20 डे या 30 डेज के अंदर आपको Redmi का Note 5 Pro में 9.6.4.0 का अपडेट आ जाएगा। दोस्तों अगर आप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप MIUI के बारे में और भी वीडियो जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं MIUI के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।